तो आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा, जो पुरानी दिल्ली स्टाइल है। ये मैंने ब्रेड ले लिया है, ये 2 कप चीनी ले लिया है, ये मिल्क पाउडर है और ये कॉर्नफ्लावर है। ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, ये 1 कटोरी आधा कटोरी मिल्क कप है, मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर और ये शुगर है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये हमारा 1 लीटर दूध है, इसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं ये बॉयल हो रहा है, कम से हल्का थिक होने तक पकाएंगे। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसे थिक होने पे। तो इसे थिक होने का वेट करते हैं। ये हमारा दूध 5 मिनट हो चुका है पकते हुए। आप देख सकते हैं कि ये दूध थोड़ा गाढ़ापन आ रहा है। चलिए ये जब तक पकता है जब तक हम कुछ और करते हैं। ये हमारा कॉर्नफ्लावर पाउडर है, ये मैंने 4 चम्मच लिया है। इसे थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेते हैं। देख सकते हैं हमारा कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बन चुका है। अभी हमारा मिल्क पाउडर है, इसमें भी पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मिल्क पाउडर है, ऐसे हमने पेस्ट बना लिया। अब इसे दूध में ऐड करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा दूध काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। ये देख सकते हैं अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये मिल्क पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये थिक भी हो जाता है। देख सकते हैं हमने इसे मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये कॉर्नफ्लावर। ये देख सकते हैं कॉर्नफ्लावर। आप इसे डालने से पहले एक बार मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसे चला लें। इसी तरह से सारे डाल के अच्छी तरह से चला लें। इसे अच्छी तरीके से रबड़ी तैयार करने के लिए इसे अभी हम बहुत काफ़ी देर और पकाएंगे। इसे और अच्छा फ्लेवर देने के लिए और अच्छा टेस्ट बनाने के लिए ये हमने मलाई ली आधी कटोरी। ये फ्रेश मलाई है, 2-3 दिन के हैं रखे हुए। आप इसे ऐड करें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसे, बहुत ही बढ़िया ये अपनी टेस्ट आता है। स्मूथ क्रीम अच्छे से इसे मिक्स करें। अब देख सकते हैं ये हमारा कितना थिक हो चुका है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाहिए। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। हाँ, इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए कितना थिक हो चुका है। आप इसी तरीके से कंसिस्टेंसी बनाए रखें, नहीं थिक होना चाहिए। ये एक अच्छी मोटी लेयर बनेगी। चलिए इसे ठंडा होने के लिए डाल। ये आप देख सकते हैं मैं 2 कप चीनी लिया, वो हमने डाल दी चाशनी बनाने के लिए, और 2 कप चीनी के साथ 2 कप पानी भी डालेंगे। आप
देख सकते हैं हमारा चीनी घुल चुका है। अब इसे हम 5 मिनट फ्लेम हाई फ्लेम पे नहीं लो फ्लेम पे पकाएंगे। लो फ्लेम पे हल्की सी थोड़ी चिपचिपी आने तक इसे पका लेंगे और इसमें हम फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। लो फ्लेम करके इसे पका लेंगे 5 मिनट और इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड कर दिया, इसका कलर कितना अच्छा हो गया। इससे हमारा शाही टुकड़ा का कलर जो है ना बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। इसके लिए हम इसमें फूड कलर ऐड करते हैं या फिर आप केसर भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी थोड़ी हल्की सी चिपचिपी हो चुकी है। अब ये हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार है, अब इसे हम चूल्हा बंद कर देंगे। हम देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम उसमें डालेंगे ये ब्रेड, ये बड़े साइज़ के ब्रेड नहीं है, ये छोटे साइज़ के ब्रेड है। आप चाहें तो ये किनारे कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी। अच्छा गोल्डन होने तक आप इसे फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। अच्छा गोल्डन होने तक इसे फ्राई करें। पलट पलट के इसे चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करें। अभी हमारा ब्रेड हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे, इसमें दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा दूसरा बैच भी बिल्कुल झटपट बन जाता है। हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारा आप फ्राई कर लें ब्रेड को और सारे ब्रेड को इसी तरीके से कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ये ट्रे लिया है और ये हमारा चाशनी, इसके अंदर हम ब्रेड ज़्यादा 1 से 2 मिनट इसके अंदर डिप करेंगे और इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल लेंगे और हम अपने ट्रे में इसे सजा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सारे फ्राई किए हुए ब्रेड को इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर सारे ट्रे में निकाल लेंगे, सारा इसी तरीके से करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे चाशनी में डुबो के मैंने ट्रे में सजा दिया। अब ये थोड़ा सा चाशनी मेरा बच गया है तो मैं इसके ऊपर सारे ऐड कर दूँगी। इस तरीके से आप इसको ये चाशनी ऐड कर दें, देख सकते हैं ये हो गया। अब इस पर डालेंगे हम ये हमारा दूध का तैयार किया हुआ रबड़ी, जो हमने इसे तैयार किया है, ये ठंडी हो चुकी है। अब इस पर धीरे धीरे इस तरीके से डाल देंगे, एक लेयर बना देंगे, मोटी लेयर बनाएंगे इस तरीके। अच्छी तरीके से सारे डाल दें, मोटी लेयर बनी। ये आप देख सकते हैं ये हमारा सेट हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें हम टूटी फूटी ऐड कर दिया, इस तरीके से आप ऐड कर दीजिए तो आपको इसे डेकोरेशन करने के लिए बहुत मज़ेदार और सुंदर लगते हैं, देखने में खाने में बहुत ही मज़ेदार। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें टूटी फूटी आप ऐड कर दीजिए। ये रमज़ान स्पेशल शाही टुकड़ा है, आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, आप भी इसे ज़रूर बनाएं और खाएं और बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, फैमिली को शेयर करें।